चिड़ियों की चेचाहत और नरम नरम धूप की चंदर में लिपटे उठना किसको पसंद नहीं पर मेरी मन मर्जी चले इतना भी सगा नहीं है ना मौसम मेरा जी मैं बात कर रही शिशिर ऋतु की अरे कहना क्या चाहते हो मौसम की वही नालायक औलाद जो बुजुर्गो की हड्डिया और मेरी रूखीसू की त्वचा की दुश्मन बनी बैठी है फिर मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा अब वही बेवफा सर्दियाँ जिसमें ठंडे पानी का संपर्क करना जानलेवा हो सकता है वही कपकपाती ठंड ज्यादा हो रहा है अरे अभी तो मैंने अपनी बड़ा की सिर्फ एक लेयर उतारी है वाय चलो शुरू से शुरू करते हैं इस ऋतु के रूट कॉज से क्योंकि ठंड में ना मेरी घड़ी का तो हिसाब डावाडोल हो जाता है अरे भाई साहब सुबह और शाम का फासला ही मिटा दिया इसने ठंड में दिन इतने छोटे हो जाते हैं मानो शुरू होते ही खत्म हो गए और मुझ जैसे निशाचर की नसीब में धूप कहाँ ही आ पाएगी इसमें आधा हाथ है उन 20-20 किलो की रजाइयों का जिसके नीचे दबके मेरा दम जरूर घुट सकता है लेकिन मजा है की शरीर का एक इंच भी बाहर निकल जाए इन रजाइयों से जुदा होने के लिए ना चाहिए लोहे का कलेजा और एक्सट्रीम लेरिंग का सुरक्षा कवच क्यूँकी इनती सर्दियों में मैंने इतनी लहरें चढ़ा रखी होती है की मेरा किसी वर्ल्ड चैंपियन ज्यादा हो सकता है अच्छा कहते हैं ना मेरा तो बैड लक ही खराब है क्योंकि ये मनोज हवाएं कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लेती हैं शरीर के के कोने तक और फिर क्या बीमार होना तो बनता है और सर्दियों में एक बार मेरी नाक का नलका खुला ना तो मानो सैलाब ही आ जाता है और ये जुखाम का नेचुरल ब्लश इंस्टाग्राम के किसी भी फिल्टर को फेल कर सकता है तो उससे मेरा क्या फायदा अब अगर बीमार होने की गुस्सागी कर दी है तो हिंदुस्तानी घरों में घरेलू नुस्खों की कमी नहीं है कोई हाथ में सतरंगी खड़ा है तो कोई हाथ में चमन प्राश का चम्मच खरूड़े हाँ खरोड़े के सूप से लेके अदरक हल्दी और गुड़ के मिश्रण तक सारे नुस्खे मिलेंगे और जब गर्म तासीर की बात हो ही रही है तो हमारी ओल्ड मोंग कैसे पीछे रह जाए क्या, क्या बोला तूने? नहीं नहीं, नहीं सीरियसली ओल्ड मॉन्ग ना हो गई डोलो की डोज हो गई हर बात पे निकलनी है अरे जब इस सर्दियों को ग्लोबल वार्मिंग नहीं ठीक कर पाई तो ओल्ड मोंग का क्रैश कोर्स क्या खाक करेगी चलो सर्दियों के टेम्परेचर पे तुम ब्रेक लगा भी लो बट मेरी प्यारी माँ की शॉपिंग लिस्ट पे और ब्रेक लगेगी भी कैसे ठंड में हाथ काम करेंगे तब ना ट्राई किया था एक बार मैंने बिना ग्लव्स की स्कूटी पे मार्केट जाने के लिए कुछ नहीं अब कोमा में है। अरे यहाँ मेरे शरीर के अंदर का पूरा खून जमे जा रहा है पर मेरे हलवाई को बनियान में ही समोसे तलने हैं तलनेट टू वेयर वॉट ही अब अनलाइक विंटर्स मैं अपने तड़कते भड़कते रैन की स्वीट एंडिंग्स पे आ ही जाती हूँ बट कोई बस मुझे इतना समझा दो कि ये विंटर्स और स्वीट टूथ वालों का क्या ही सीन है भाई मतलब गुड़ की पट्टी से लेकर रेवड़ी गच्चक चिक्की गाजर का हलवा और कैरमलाइज पीनट अरे हाँ भाई आपकी वही मूंगफली की कंजम्पशन की तादाद इतनी बढ़ जाती है कि सिंगल हैंडेडली ना पूरे भारत वर्ष को डायबिटिक कर दे नो 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 गॉड प्लीज अब तापमान ना कितना ही सनक जाए पर हाथ इन्हें बॉन्ड फायर पे ही सेकने हैं भैया बॉन्ड फायर को तो जाने ही दो मेरा तो हाथ धोने से लेकर बाथरूम में तशरीफ फरमाने तक के खयाल ऐसी दूर से ही नमस्ते हो जाती है खैर मेरे विंटर के बड़ास का कोटा यही समाप्त होता है मैं तो चली अपनी रजाई में हाइबरनेशन मोड ऑन करने पर तुम हाइबरनेट करने से पहले ना वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करके जाना और वो जो तड़ता पड़ता लाल कलर का बटन दिख रहा है ना उसे दबाते जाना ठीक है मम्मी एक और कम्बल निकाल दो यार बहुत ठंड हो रही है आजकल यार हां